नमस्कार, मैं हूँ विकास अलावत और आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया। आज हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने विग्नेश्वरा डेवलपर के साथ इन्वेस्ट किया था। सर, आपने विग्नेश्वरा डेवलपर का प्रोजेक्ट में कब इन्वेस्ट किया था? मैंने तो 2012 में किया है, सितंबर 2012। सर, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे विग्नेश्वरा की मार्केट गुडविल क्या थी, पास्ट क्या था उस टाइम पे, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका था? 2012 में इसकी रेपेशन ऑलमोस्ट ठीक थी, ऑलमोस्ट के ठीक ही थी। रीजन की ये प्रोजेक्ट 2005 से चल रहा था। इन्होंने इनको एक प्लाट अलाट हुआ था HSIDC मानेसा में, जो कि 10 एकड़ का प्लाट्स था, पब्लिक पार्टनरशिप स्कीम में था, अलाट हुआ HSIDC से। और इनको कंस्ट्रक्शन करके IT स्पेस बना करके रेंट पे देना था, और पब्लिक से इन्वेस्टमेंट का इस टाइप का कोई प्रपोजल नहीं था कि ये सेल कर सके, जबकि वो सिर्फ लीजिंग पर्पस से था। लेकिन इन्होंने मिसयूज करके लीज करते रहे, किसी को आइडिया नहीं लगने दिया, और गवर्नमेंट भी, क्योंकि इनकी थी ये प्लाट भी, इन्हें गलत तरीके से अलाट हुआ था, ये इस प्लाट के अलाटमेंट के एलिजिबल नहीं। अच्छा, मतलब सर, तो ये 2012 से पहले जो इनकी मार्केट गुडविल थी वो काफी अच्छी थी। काफी अच्छी इसलिए थी कि ये मॉडल एश्योर रिटर्न मॉडल ये खुद ले आए थे जी। रियल एस्टेट के मार्केट में एश्योर रिटर्न का मॉडल लाने वाला सुनील दहिया पहला पर्सन था, और इसको देख करके बहुत सारे दूसरे लोग सक्सेस हो गए और ये वहीं के वहीं खड़े हैं। तो सर, जब HSID ने इन्हें जो प्लॉट अलॉट किया था, ये उसके एलिजिबल थे या नहीं थे? जो उसकी अगर अलॉटमेंट की वो देखी जाए तो उसमें था कि मिनिमम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की टर्नओवर होनी चाहिए कंपनी की, जबकि इनकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन ही उसके अलॉटमेंट के डेट के बाद की है। अलॉटमेंट नहीं, सॉरी, उसके एडवर्टीज प्लाट के एडवर्टीजमेंट के बाद की इसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है। ये कंपनी जो विग्नेश्वरा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, सिर्फ इसमें 4 डायरेक्टर है, अलग 4 डायरेक्टर काफी होते हैं, 4 डायरेक्टर सिर्फ नहीं है, काफी है। 4 डायरेक्टर है, सुनील दहिया, संजय दहिया, इनका फादर दरियाव सिंह, एंड एक सुरजीत सिंह हुड्डा, जो कि श्री किशन हुड्डा के बेटे हैं, वो एक्स MLA थे, आज की डेट में MLA नहीं है, पहले MLA थे वो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट में इलेक्शन जीता इन्होंने, तो उस टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को MLA होना था, तो MLA होने के लिए 6 महीने का टाइम होता है, तो वो किलोई विधानसभा सीट इन्होंने अपनी उनके लिए छोड़ दी थी। तो हालांकि वहां 10 प्लाट अलॉट हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, एयरटेल जैसी कंपनी को भी हुआ है, भारतीय एयरटेल को भी हुआ है, SCL को हुआ है, अनंत राज को हुआ है, बहुत सारे एलिजिबल हैं। ये न्यूली बिल्टअप कंपनी थी, न्यूली बिल्टअप कंपनी थी, न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके 10 दिन बाद 1,00,000 रुपए मात्र शेयर कैपिटल की कंपनी है। और इन्होंने जो अलॉटमेंट के बाद जो माल बेचना चालू कर दिया, वो लेटर के सिर्फ LOI के बाद, लेटर का पूरा अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला इनको, उससे पहले भी माल बेचा है, हमारे यहाँ EOW में इंक्वायरी में ये चीज आई हुई है। तो सर, आपने क्यों इन्वेस्ट किया विग्नेश्वरा के साथ? हर आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है पैसे कमाने के लिए, हमारी भी इच्छा थी पैसे कमाने की, इसलिए इन्वेस्टमेंट किया। इनकी जिस टाइम मैंने 2012 में इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने मेरे को अच्छे ऑडिटर्स हैं, एक DNB करके, उनकी ऑडिट रिपोर्ट दिखाई, सारे लाइसेंस दिखाए, इनके सारे लाइसेंस थे, अपना मानेसर का प्रोजेक्ट दिखाया, उस टाइम प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन बंद था, लेकिन हमें ये शो किया कि ये कंस्ट्रक्शन हमारा चल रहा है अभी, हाल फिलहाल 1-2 महीने से बंद है। मेरी इन्वेस्टमेंट सेक्टर 74 में है, सेक्टर 74 में इन्होंने जिस टाइम मैं इन्वेस्टमेंट लिए गया था इनके पास, मैं नहीं गया बल्कि ये खुद आए थे, तो उस टाइम में इन्होंने खाली वहां पिट खोद रखा था, उसका काम चल रहा था,
एक्सकेवेशन चल रहा है, तो ये बस की रिसेंटली काम चालू होने वाला है हमारा। इस टाइप का कहा हमने, क्या ठीक है चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें इनके इन्वेस्टमेंट के पीछे लालच क्या था कि ठीक है आज रियल एस्टेट मार्केट उन दिनों ज्यादा बूम में थी नहीं, ज्यादा कुछ चल नहीं रहा था। हम लोगों ने ये सोचे कि चलो ये प्रॉपर्टियां हमारी आइडल पड़ी है, इन्होंने प्रपोजल दिया कि आप अपनी प्रॉपर्टियां हमें दे दो, हम आपको जो है वहां पर अलॉटमेंट कर देंगे और उतने अमाउंट पर 5 साल तक एश्योर रिटर्न देते रहेंगे। तो ये एश्योर रिटर्न का जो मॉडल था ये पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट था जो कि आदमी को लियोर करता था और इंड्यूस्ड करता था कि ये तुम्हें करना चाहिए। सो सर, इस डिस्प्यूट के बाद जितने भी कनेक्टेड गवर्नमेंट बॉडीज थी तो क्या आप उनके पास गए तो उनका क्या ओपिनियन? मैं सब कनेक्टेड पार्टीज को फॉलो किया, एडवोकेट के थ्रू नोटिस भी भिजवाए, किसी भी बॉडी का कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। जबकि ये सेक्टर 74 का प्रोजेक्ट DTCP के यहाँ से लाइसेंस हुआ होता है, लाइसेंस में ये लाइसेंस फीस भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, हरियाणा के बाईलाज में भी ये एक इनकी रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है। आज तक उस नोटिस का जवाब नहीं दिया DTCP ने। तो सर आपने कब ये कंप्लेंट करी थी, कब आपने FIR कराई थी? 2014 में हमारी ARP बंद हुई थी मार्च के बाद। मार्च के महीने में इन्होंने बोला कि हमारे पास सर्विस टैक्स की एक लायबिलिटी है, ये सर्विस टैक्स की डिमांड है, आप सर्विस टैक्स दो तो हम आगे आपको ARP देंगे। हम लोग अननोन पर्सन थे, ठीक है गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी है सर्विस टैक्स देना है, तो हमने उसका चेक काट के दे दिया इनको। इन्होंने चेक ले लिया, मेरे को चेक दे दिए आगे 12 महीने के। एक दो महीने हमारे चेक क्लियर हुए मई और जून में, जुलाई में जैसे ही चेक डाले गए वो चेक डिसालव हो गए। अप्रैल महीने का चेक इन्होंने बोला था कि दिसंबर में हम 2 महीने का दे देंगे फाइनेंशियल क्राइसिस, हमने कहा चलो कोई बात नहीं बाद में आ जाएंगे। तो सर कंप्लेंट हरियाणा की थी, आपने करी दिल्ली में, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि उन दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहाँ गवर्नमेंट थी और एक हमारे कलीग्स ने, अदर इन्वेस्टर्स ने, एक मैडम है उन्होंने यहाँ आया कंप्लेंट किया था सुशांत लोक वन के थाने में जो इलेक्शन बनती थी तो किया था, तो FIR भी दर्ज हो गई पब्लिक प्रेशर में। बट इसको 12 दिन घूमता रहा ये इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, ये अंदर रह गया और इसने सारे हम लोगों को ये चैलेंज कर रखा था कि आप कितना भी जोर लगा लो मैं एक दिन अंदर नहीं रह सकता हूं। इसलिए हमारी ये मजबूरी थी कि यहाँ किसी गवर्नमेंट बॉडी ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने हमारा यहाँ कुछ सुना नहीं, इसलिए हम लोग गए दिल्ली। दिल्ली कंप्लेन करने का रीजन क्या है कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस थे, एलिजिबिलिटी वहां बन जाती थी, इसलिए हमने वहां कंप्लेन की। तो सर जो फाइनेंशियल रैकेट इसमें इन्वॉल्व थे उसके खिलाफ आपने कुछ किया, कोई कदम उठाया? फाइनेंशियल रैकेट्स इनके साथ इन्वॉल्व इस तरीके से थे कि जैसे इन्होंने हमसे प्रॉपर्टियां ली, एग्जांपल के लिए हमसे कोई प्रॉपर्टियां लिया इन्होंने 5 करोड़ 87 लाख की, उस प्रॉपर्टी को इन्होंने उसको 2 करोड़ 22 लाख में बेच दिया, उसके पीछे क्या कैश लिया क्या लिया नथिंग, कोई नहीं। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, 93 प्रॉपर्टीज है, 93 लोगों की इन्वेस्टमेंट है बार्टर पैटर्न पे, हमसे इन्होंने वो ले लिया प्रॉपर्टी ले ली और आगे अपने फाइनेंसर्स के, वो फाइनेंसर्स इनके ही थे, सो कॉल्ड फाइनेंसर्स थे, इन्होंने अपना पैसा ही उनके अकाउंट में 2-4 दिन पहले डाल करके उन्हीं फाइनेंसर्स के अकाउंट में, विघ्नेश्वरा कंपनी अपने अदर सिस्टर कंसर्न से उनके कंपनी में पैसे डाल करके फिर उन्हीं से अपनी एक कंपनी में पैसा लेकर के जिसके नाम सैलरी इनकी कंपनी में थी उस कंपनी से उसके नाम सैलरी करते हैं। जस्ट कि हमारी ये प्रॉपर्टियां कल को कोई डिस्प्यूट हो रहा है इन्वेस्टर के साथ तो अलग पार्क हो जाए, इनको कोई डिस्टर्ब न कर सके, सिर्फ इस पर्पज से ऐसा किया इन्होंने। हमने इसके अगेंस्ट यहां भी कंप्लेंट डाली है, गुड़गांव में भी कंप्लेंट डाली है, गुड़गांव में कमिश्नर अभी संजीव खिरवार जी है, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और इवन फाइनेंसर्स को बुलाया भी, एक पुलिस के लेवल पर कोर्ट केस चलते हुए जितना प्रेशर किया जा सकता है बेस्ट पासवर्ड उन्होंने प्रेशर किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो थोड़े डरे हैं, भाग रहे हैं, समझौते के टेबल पे आ रहे हैं, लेकिन अब इतना लेट हो चुका है कि मामला चूंकि हाई कोर्ट में है, कंपनीज लिक्विडेशन में है,
प्रॉपर्टियां बैंक होंगी, वो प्रॉपर्टी देने को लिए, के लिए भी वो फाइनेंसर कुछ तैयार होते हैं, बट वो प्रॉपर्टियां बैंक होगी तो सुनील दहिया को होगी, क्योंकि उनकी कंपनीज में, उनकी कंपनी से उनको हुआ था, उनके नाम शेयर डील उनकी कंपनी से हुआ था, तो उनको वापस जाएंगी, फिर हमें मिलेगी। ये सारी अब कॉम्प्लिकेसी है, मैटर ऑफ कोर्ट केस है जी। तो सर आपके अलावा आपको नॉलेज है कि कुल कितने इन्वेस्टर्स और इस स्कैम में फंसे और कुल कितने करोड़ का स्कैम है ये? ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का स्कैम है और इसमें टोटल 1680 आईडीज हैं। ऑलमोस्ट कॉमन कुछ इन्वेस्टर्स ने नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करी हैं, तो ऑलमोस्ट 1200 के आसपास पर्सन इन्वॉल्व है, इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। 890 इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट ईओडब्ल्यू दिल्ली एंड गुड़गांव दोनों जगह की मिला के 890 इन्वेस्टर कंप्लेंट कर चुके। तो सर आपको क्या लगता है कि इस स्कैम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिले? जिस दिन बिल्डर का माइंडसेट बहुत क्लियर नियत से आएगा कि हमें इन्वेस्टर को सेट करना है, आज भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा जरूर है कि इन्वेस्टर को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, बट कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज भी सुनील दहिया का माइंडसेट ये नहीं है कि हम सबको क्लियर करना। तो सर जो रियलिटी मीडिया ने बीड़ा उठाया है कि लोगों को उनका हक वापस दिलाने का, इस जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं उसके पीछे, तो सर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल लेकर जाएं, सॉल्यूशन प्रपोजल लेकर जाएं। तो सर आपके हिसाब से वो सॉल्यूशन प्रपोजल क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या अपना रोल प्ले करे? आप सब गवर्नमेंट बॉडी को टच कर सकते हो। आज जिस गवर्नमेंट बॉडी ने मेरे से अनबिल्टअप प्रोजेक्ट का सर्विस टैक्स लिया, आप उस गवर्नमेंट बॉडी से पूछो ना कि उस सर्विस टैक्स के पीछे मेरे को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, मेरा बेसिक ही चला गया और क्या सिक्योरिटी है, किस लिए सर्विस टैक्स लिया? स्टेट गवर्नमेंट जो एक लाइसेंसिंग बॉडी है, लाइसेंस रखती है, लाइसेंस रिन्यू कर देती है, अगर उसने पहली बार 5 साल का लाइसेंस दिया या 3 साल का पीरियड दिया, उसने 3 साल के दौरान कोई रिन्यू, कोई परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री ये ऑन ग्राउंड नहीं किया, तो उसका रिन्यूअल क्यों किया, किस बेसिस पर किया? ये लेटर मैंने एडिशनल डायरेक्टर सीटीपी को दिया था चंडीगढ़ में, आज तक मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। तो सर अभी अगर कोई प्रपोजल, सॉल्यूशन प्रपोजल आप बनाकर रखना चाहें गवर्नमेंट के सामने कि या तो इस जैसे कि प्रोजेक्ट को किसी और नए इन्वेस्टर को देके, किसी और नए डेवलपर को देके बनवाया जाए, या अभी मामला चूंकि कंपनी कोर्ट में है जी, अब तो कोई बिल्डर, गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट खुद अपना खुद इंटरवीन कर सकती है कि मैं इन्वेस्टर को इस तरीके से सेटल करेंगे, जिसकी जो भी लाइबिलिटी है उसको सेटल करेंगे, प्रोजेक्ट को करें। कायदे से गवर्नमेंट को ये चीज करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने किस बात का सर्विस कर लिया, किस बात का सीएलयू लेती है, किस बात के ये चार्जेस लेती है पब्लिक से, कहां सिक्योरिटी है, कहां है रेरा? तो सर अगर इस सबके बाद भी, कोर्ट केस के बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानती है, तो रियलिटी मीडिया पूरी तरीके से तैयार है कि हम सड़क पर उतर कर भी सुराई को लड़ेंगे। तो सर आपकी इस पर क्या राय है कि जो हमने मुहिम चालू की है, जो हमने करा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? मेरी इसमें यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लोग कुछ हम लोग हेल्प कर सकते हो, तो इसके लिए जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे हमारे पहले लेटरों का रिप्लाई ही करवा दो। आज मैं HSIDC से पूछना चाहता हूँ, ये प्लाट अलॉट क्यों हुआ इसको? क्या बाकी 10 प्लाट जिनको अलॉट हुए उनकी एलिजिबिलिटी के इक्विवेलेंट ये बंदा उस दिन में था क्या? ये विग्नेश्वरा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड उस दिन थी क्या? एक जीरो पैसे की, जिसकी कोई आईडीआर नहीं फाइल थी, आपने किस बेसिस पर एसेस किया था? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट, नथिंग एल्स। सर इस प्रोजेक्ट में डायरेक्टर्स जो थे उस टाइम पे कौन कौन थे? विग्नेश्वरा डेवलपर्स जो कि मानेसर की लैंड जिसको अलॉट है, सुनील दहिया, संजय दहिया, दरियाव सिंह एंड सुरजीत हुड्डा। सुरजीत हुड्डा वाज द की पर्सन जो कि आज तक अरेस्ट नहीं हुआ जी, आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों? वो किसी MLA का बेटा है, CM का प्रोटेक्शन है, इसलिए अरेस्ट नहीं हुआ। आज भी वो कोर्टों में आता है, पुलिस करती है कि वो पता नहीं कहाँ है। तो सर आपने बताया कि आपने सेक्टर 74 गुड़गांव के
प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो सर वो प्रोजेक्ट लैंड था किसका? लैंड इन्होंने बेगमपुर खटोला विलेज के कुछ फार्मर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, उस कोलैबोरेशन से ये लैंड आई है। उस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करने वालों ने भी कैंसिलेशन ऑफ कोलैबोरेशन का केस फाइल कर रखा है। तो सर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको इस धोखे के बारे में पता चलता गया और कैसे ये धोखा हुआ? हमारे को सबसे बड़े इस धोखे का पता जब चलने लगा जब इन्होंने मार्केट में सितंबर 13 में हमने इनको अपनी लास्ट प्रॉपर्टी दी। सितंबर 13 के बाद इन्हीं के ऑफिस से एक प्रपोजल आने लगा कि द्विवेदी जी आप कुछ प्रॉपर्टियों को बाई बैक में ले लो। हमने कहा भैया ये बाई बैक क्या होता है? तो इन्होंने कहा सर जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी आपने अपना गेस्ट हाउस इनको दिया हुआ है, मान लीजिए 8 करोड़ का दिया हुआ है, तो उस 8 करोड़ वाले गेस्ट हाउस को आप जो है इनको 4 करोड़ रुपए में दे दो, 4 करोड़ रुपए आज इनको दे दो, ये आपको 3 रुपए सैकड़े के रेट से एश्योर रिटर्न, 3 रुपए सैकड़े के रेट से 3 साल तक लगातार इंटरेस्ट देते रहेंगे और बतौर सिक्योरिटी आपके नाम कर देंगे, लेकिन हम आपसे वापस ले लेंगे कब? 3 साल के बाद, और 3 साल तक 3 रुपए सैकड़े के रेट से आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। मीन्स हमने इनसे पूछा कि आप 36% के रेट का इंटरेस्ट 3 साल तक दोगे, 108 रुपए तो यही हो गया, ये प्रोजेक्ट वाइबल कहां से होगा जी? इससे तो बेटर ये है कि आज मार्केट डाउन है, 8 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ में तो बिकेगी, 6 करोड़ में बेच दो। आप उस आदमी से जिससे गेस्ट हाउस खरीदा है पहले, आप पहले उसको 12% दे रहे हो, 3% मुझे दोगे 3 साल तक उसको भी दे रहे हो, तो ये सारा पैसा इसी में चला जाएगा, आप प्रोजेक्ट कहां बना पाओगे? जब मेरे दिमाग में ये चीज आई कि कहीं ना कहीं समथिंग गड़बड़ है, जब इनके यहां चेक करना चालू किया तो इनके पास हुआ क्या कि फाइनेंसर्स का रैकेट पीछे से काम कर रहा था इनके साथ। इन्होंने देखा कि मार्केट में इस तरीके से बात फैलाएंगे, बहुत सारी बात फैलेगी, तो इन्होंने 5-7 इनके पास अभिषेक शराफ है, वो दिनेश अग्रवाल है, हरीश मत्रा है, और 5-7 ऐसे फाइनेंसर थे, कोचर बिल्डर है, ऐसे करके 5-7 इनके साथ फाइनेंसर थे जो कि ये सारी प्रॉपर्टियां अपनी उनके पास पार्क कर दिए और कंपनी को ये शो कर दिया कि हमारे पास कोई नहीं है कुछ। तो सर आप बाकी लोगों से जब आपको इस धोखे का पता चला तो आपने तो अपनी एफआईआर फाइल कर दी, लेकिन नहीं हमारे को पता चला तब तक सबको धीरे धीरे इनके जो आप सर्विस टैक्स की डिमांड करी थी इनके चेक के साथ में होने चालू हो गए, तो सबको एक साथ ही पता लग गया, कोई बारी बारी से थोड़ी किसी को पता लगा। चलो मैं थोड़ा इंटरेस्ट था थोड़ा पहले, ऐसे कुछ लोगों को पहले पता हो गया कि जैसे इन्होंने ये उम्मीद किया कि शायद पहले फंस चुके हैं एक बार और फंस जाए। तो सर आप उन लोगों से कैसे जुड़े? हम आप उन लोगों के साथ कैसे जुड़े भाई? इनके ऑफिस में धरने प्रदर्शन बहुत दिन किए गए। अच्छा, जब चेक दिशा में होने लगे तो सारे ग्रुप में जाकर के सारे बंदे जाकर के कहते थे भाई साहब कोई रास्ता निकालो, बनाओ प्रोजेक्ट, बनाओ एडमिनिस्ट्रेशन से मिलो। हमारी ये भी बात कही है उन दिनों की, चलो एआरपी एश्योर रिटर्न की कुछ प्रॉब्लम है बाद में दे देना आप, लेकिन अभी तो प्रोजेक्ट बनाना चालू करो। ये भी सहमति एक स्टेज पर हुई थी कि एश्योर रिटर्न के बदले एडिशनल स्पेस दे देना, लेकिन इमीडिएट काम चालू कर दो, तो उससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट बन जाएगा जी। बट इन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं, एक्चुअली इन्होंने अपने फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर सेट कर रखा है, बड़े ही क्या कहोगे क्रूप तरीके से काम किया है। तो सर आपने बताया कि आपने अपनी लास्ट प्रॉपर्टी दी इन्हें, तो सर आपने कुल कितनी प्रॉपर्टीज इस बार्टर सिस्टम? मैंने इनको अपनी चार प्रॉपर्टियां दी जो कि बहुत पुरानी हमारे परिवार की प्रॉपर्टियां थी। एक गेस्ट हाउस था हमारा, 2 हरिद्वार में लैंड कमर्शियल लैंड के पीस थे, एक सहारा सिटी होम में फ्लैट था, वो ये चारों प्रॉपर्टियां इन्होंने, इनको तो जब पता लग गया इनके पास प्रॉपर्टी है ये तो पीछे पड़ गए। अच्छा, जितने दिन तक हमारी लास्ट सारी हुई थी तब तक ये बड़े इनके एश्योर रिटर्न कंटिन्यूस बड़े इशू उठाते थे, कहीं भी एश्योर रिटर्न में प्रॉब्लम नहीं होती थी, चेक इसके डीडी की तरह कैश होते थे,
और जिस दिन से ये सारे ले लिए सबसे बैठे हैं वो दिन के बाद उस दिन के बाद से सब बंद हो गया। तो सर कुल मिलाकर कितना टोटल आपका पैसा इस केस में फंसा हुआ? मेरा इंडिविजुअल 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो हमने इनको दिया है। 15 करोड़ का हमारा अमाउंट है। हमारे इस जो की पार्टनरशिप में प्रॉपर्टियां थी और लोगों के भी हमारे 18 करोड़ 19 करोड़ के आसपास का। सर तो लास्ट हियरिंग में कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसमें कोर्ट का क्या बयान था और क्या स्थिति थी उसमें? कोर्ट में तो ये दो के दोनों कंपनियां लिक्विडेशन में जा चुकी हैं, विग्नेश्वरा डेवलपर एंड विग्नेश्वरा डेवलप्ड वेल। अभी सुनील ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है अबेंस के लिए कि हम सेटल करेंगे, बट उसमें कोई मॉडल नहीं है। जब तक कोई एक प्रपोजल नहीं है कि हम किस तरीके से कोई भी उसके लिए एक वायबिलिटी तो चाहिए ना कि फंड्स कहां से आएंगे। ये करेंगे तो ठीक है, लेकिन फंड्स कहां आए? आज ऑफिस भी बंद है, किसी ऑफिस कोई भी ऑफिस नहीं खुला है, तीन के तीनों डायरेक्टर अंदर है, एक सिंगल स्टाफ नहीं है, किस तरीके से करेंगे जी? तो सर अब आप क्या चाहते हैं इन दी एंड, आपकी क्या विल है कि क्या सॉल्यूशन निकले इस चीज? मैं तो ये चाहता हूं कि हमें या तो प्रोजेक्ट मिल जाए या हमारे पैसे दे दिए जाए विद इंटरेस्ट एआरपी जोड़ के। तो सर अगर आपकी कोई बात विग्नेश्वरा डेवलपर तक रखी जाए सामने सुनील से, अगर आपकी सुनील जी से डायरेक्ट आपकी बात हो तो आप... हमेशा बात होती रहती है मीडिएशन में कोर्ट में। तो सर उस टाइम पे क्या क्या बातचीत होती है आपकी? बस वो एक ही बात कहता है कि हमें निकाल दो, मैं बाहर फिर करिश्मा करके दिखा दूंगा। तो सर करिश्मा करोगे कैसे? वो सोर्स तो दिखाओ पैसे का। तो सर मतलब वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं? वो बेल तो उनके हाईकोर्ट से भी डिसमिस हो चुकी है। तो सर आप क्या मतलब क्या चाह रहे हैं कि वो बाहर से आकर कोई सोल्यूशन करे, अंदर से कोई सोल्यूशन करे? देखो उनको अंदर रहते हुए एक रिवाइवल फंड मिनिमम फंड 101 करोड़ रुपए तो जमा करना होगा। एस्क्रो अकाउंट खोलें, 101 करोड़ रुपए उसमें जमा करें। मैं ये बात मानता हूं कि जब फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है इस तरीके की, तीन के तीनों डायरेक्टर अंदर है, पर वो आज तो लिक्विडेशन में कंपनी है, कोर्ट को बताएं। वो पहली बात तो उन्होंने आज तक ईमानदारी से अपनी असेट्स एंड लायबिलिटी कोर्ट में सबमिट नहीं करी। सेक्शन 454 के तहत उनको वो सबमिट करना होता है असेट्स एंड लायबिलिटी, आज तक सबमिट नहीं किया। तो सर विग्नेश्वरा के जिस प्लॉट में, जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया था, करंट सिचुएशन उस प्रोजेक्ट की क्या है? एक गड्ढा उस दिन खुदा था, वो गड्ढा की उन दिनों सफाई हो रही थी, ठीक ठाक खुदाई कर रहे थे, साइट ऑफिस बना रहे थे। उसके बाद आज भी सेम पोजीशन वही है। आज वहां फर्क यह हुआ है कि हाईकोर्ट के स्टे के बोर्ड लग गए। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार जी, और अगले एपिसोड में भी हम कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए रियलिटी मीडिया।